ठीक है, ये आपका वॉशिंग मशीन आईएफबी कंपनी का है। ये मॉडल कौन सा है आईएफबी कंपनी का? सिनेरिटा प्लस यस एक्स सी 8 kg 1400 rpm पर रन करेगा। ये आपने कौन सा मॉडल परचेज किया है? आईएफबी कंपनी का वॉशिंग मशीन है, ये आपका मॉडल है। और इसमें क्या ऐड है? पावर स्टीम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर स्टीम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है ना, ये जो सिंबल दिख रहा है, ये जो भी सिंबल दिख रहा है, इसमें हम लोग स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये जो सिंबल यहाँ तक दिखता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टीम सेलेक्ट करते हैं। तो 4 स्टेप में डेमो होता है इसका। लोडिंग हो गया, सेकंड क्या आता है, लिक्विड डिटर्जेंट आता है, थर्ड प्रोग्रामिंग, चौथा मेंटेनेंस आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कपड़े डालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉकेट चेक करना है, पेन कॉइन की चाबी ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया, पॉकेट चेक लिए। पॉकेट चेक करने के बाद जब भी कपड़े डालना है तो 1 by 1 डालना है, गट्ठर बना के एक ही बार नहीं डाल देना है। आपने दरवाजा ओपन किया, जी जी जी, सिंगल सिंगल आपने क्या किया, दरवाजा ओपन किया। दरवाजा ओपन करने के बाद जब भी कपड़ा डालना है 1 by 1 डालिए। कम से कम 50% कपड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट 80% कपड़ा डालना है, ऊपर से 4 फिंगर का गैप होना चाहिए। आप क्या करते हैं, जब भी थोड़ा गैप रहता है तो अच्छा रहता है, क्या मशीन भी अच्छा रहता है, मशीन अनलोडिंग नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कम से कम 50% हाईएस्ट 80% कपड़ा डालना हो, वो भी सूखा कपड़े। ठीक, आपने सबसे पहले क्या किया, कपड़े लगा लिए। कपड़े लगा देने आपको दरवाजा बंद कर देना है। आपने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिए। सेकंड स्टेप क्या आता है, लिक्विड डिटर्जेंट। आप आईएफबी का लिक्विड यूज करते हैं, आपको अलग से कंफर्ट सॉफ्टनर नील डिटॉल परफ्यूम कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या डालना पड़ता है, आपको लिक्विड डालना पड़ता है। कहाँ पर हम लोग आईएफबी का लिक्विड यूज करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या डालते हैं, 40ml आप वो लिक्विड यूज करते हैं, कपड़े शाइनिंग ब्राइटनेस, जो कपड़े धागे रहता है वो कपड़े डल नहीं होते देते, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे रहते हैं। आपने इतना अच्छे कपड़े खरीदते हैं उसका शाइनिंग ब्राइटनेस कपड़े जाने नहीं देता है। तो आपको कहाँ पे 40ml यहाँ लिक्विड डालना है। सेकंड वाले में क्या डालते हैं, कंफर्ट सॉफ्टनर नील डिटॉल, कभी आपको एक्स्ट्रा स्मेल लिए कुछ भी चाहिए तो उसके लिए कहाँ डालते हैं, सेकंड वाले में डालते हैं। ये जो थर्ड आता है, जैसे कोई हॉस्पिटल गया है या पब्लिक प्लेस पर गया है वो सब कपड़े लगाना है, तो आपको दोनों साइड लिक्विड डालना पड़ेगा। 40ml यहाँ, 40ml इस साइड डालना पड़ेगा और 20ml आपको यहाँ डालना पड़ेगा। आपने सबसे पहले क्या किया, लिक्विड डाल दिया। कभी आप इसको ब्लू वाली निकालते हैं, एक चीज ध्यान देना है, ये जो डबल वाला है बैक साइड रहेगा और सिंगल वाला अंदर साइड रहेगा, कभी आपको आड़ा करके नहीं डालना है। ये जो डबल वाला है अंदर साइड और सिंगल वाला बैक, कभी आपको आड़ा करके नहीं डालना है। आप आड़ा करके डालते हैं तो अंदर जाएगा भी नहीं, अंदर आप जाते कि चला गया तो अंदर जाकर क्या होता है, लॉक हो जाता है। एक क्या होगा, निकल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये खुलेगा नहीं। जब भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर केयर कॉल रजिस्टर करिए, वो लोग आके चेक करके इसका सोल्यूशन करके जाएंगे। ये डबल वाला अंदर साइड, सिंगल और बैक साइड, जब भी आपको कभी निकालना है तो आपको निकालेंगे ध्यान देना है। क्या तो ये सब बताते रहने तो बार बार प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग जाते प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या टूट जाता है, कोई भी फिजिकल डैमेज होता है तो उसका आपको पैसा पे करना रहता है, तो फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। आपने उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपने बंद कर दिया। जो थर्ड स्टेप होता है, आपने पावर ऑन करना, वहाँ से पावर ऑन करने के बाद हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अभी हम लोग जब भी जो नोब होता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं सर, ये क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या आता था, जो टाइमर वाला मशीन आता खाली एक ही साइड घूमता था स्टार्टिंग पे, तो भी इसमें क्या है, हम लोग दोनों साइड घुमा सकते हैं। जी अभी कपड़े लगाना, तो अब हमने कपड़े लगाए तो कौन सा यूज करने का बता रहे थे सर। जी जितने फैमिली मेंबर का आते हैं, ये आपको जो सिंबल दिख रहा है ए, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टीम सिलेक्ट कर सकते हैं मिक्स डेली। जितने फैमिली मेंबर कपड़े आते हैं, किसी उलन, किसी काटन, किसी जींस, किसी स्पोर्ट, जितने मिक्स कपड़े सब फैमिली मेंबर का है, तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं मिक्स डेली। तो उसके लिए आपको रोज के लिए कौन प्रोग्राम लगाना है मिक्स डेली। AI टेक्नोलॉजी है। AI मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें क्या होता है, कितना पानी चाहिए,
कितना टाइमिंग चलेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मशीन खुद ही सेंस करता है, इसके अंदर सेंसर लगा रहता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक सेंस करता है, टाइमिंग कम ज़्यादा अपना खुद ही मशीन करता है इसका। तो इसके लिए आप इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए कपड़ा कितना है, उसके साथ टाइमिंग है, वो सब मशीन खुद ही सेंस करेगा, सिर्फ आपको प्रोग्राम लगाना है और स्टार्ट कर देना है। सेकंड क्या आता है, कॉटन इकोर, कॉटन इको कौन से कपड़े, जो व्हाइट कपड़े होते हैं, कॉटन कपड़े होते हैं, वो सब कपड़े लगाना है, तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, कॉटन इको। इसमें क्या रहता है, कंपनी ने 60 ऑटोमेटिक टेम्परेचर खुद ही सेट कर दिया है, जो कॉटन कपड़े आते हैं बहुत गंदे रहते हैं, या व्हाइट कपड़े आते हैं उस पर थोड़ा धब्बा लग जाए, क्या होता है धब्बा लग जाए, उसके लिए जब भी आपको व्हाइट कपड़ा लगाना है किस पे लगाते हैं, कॉटन इको पर लगाना है, अभी इसको लगाना है आपको, जब भी स्टीम सिलेक्ट करना है वो सब आपको लास्ट में बताएंगे इसके बारे में, जो यहाँ दिया रहता है ऑटोमेटिक सब की सेटिंग रहता है, किसी 30, 40, 60 सब टेम्परेचर दिया रहता है, आपको लगता है मुझे इंस्टा और स्टीम सेलेक्ट करना है तो आप उसका स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बेबी बियर, छोटे बच्चे के कपड़े हैं, ये कौन सा है, बेबी बियर, वो सब कपड़े लगाना है, तो छोटे बच्चे के लिए क्या होता है, बहुत बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं उस कपड़े में, तो इसमें क्या कंपनी ने इसमें टेम्परेचर पहले से 60 कर दिया है और टाइमिंग 2 से 2 मिनट दिया हुआ है, तो इसका वेट 3 kg बता रहा है और 60 टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक सब कुछ सेट रहता है, फिर आपको क्या करना है, कपड़े डालना है, लिक्विड डालने से भी स्टार्ट कर देना है, सिर्फ इतना करना पड़ेगा। एलटी इमर्जर, इसमें कौन से कपड़े डालते हैं, कोई हॉस्पिटल गया है या पब्लिक प्लेस पे गया है, बहुत हाइजीन कपड़े हैं, तो ऐसा कपड़े जब भी लगाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते क्या होता है, बैक्टीरिया वाले कपड़े रहते हैं, या पब्लिक प्लेस भी जाते हैं तो बैक्टीरिया वाले कपड़े रहते हैं, ऐसा कपड़े जब भी लगाना है तो किस पे लगाते हैं, एलटी इमर्जर पे, इसमें क्या होते हैं बैक्टीरिया जो रहते हैं नष्ट हो जाते हैं, उसका डेथ हो जाता है, तो इसके लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। स्प्रे श्वास, कौन सा कपड़ा लगाते हैं, जैसे आप मार्केट गए, मैरिज पार्टी गए, ऑफिस गए, 2-4 घंटे कपड़े यूज किए हैं, हल्के नॉर्मल कपड़े गंदे हैं, तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, स्प्रे श्वास लगाने हैं आपको। कुछ भी क्वेश्चन है पूछते रहिए, कुछ आपको कंफ्यूजन किधर भी है तो आप पूछ सकते हैं सर जी। रिफ्रेश, आपको लग रहा है बहुत टाइम से कपड़ा रखा हुआ है कपाट में, आपको पहन के जाना है तो क्या करना है, रिफ्रेश इसमें कर सकते हैं, कभी क्या होता है सन नहीं जाता है, इसके लिए कपाट बहुत टाइम से कपड़ा रखा हुआ है तो आपको पहन जाना, तो एक दिन पहले हम लोग क्या रिफ्रेश करते हैं, जैसे आपको लग रहा है इसके लिए स्मेल नहीं, कोई कम्फर्ट सॉफ्टन नील स्मेल नहीं, कुछ भी डालना ही नहीं है, तो आप क्या करना है यहाँ पे डाल दीजिए, डालने के बाद इसको आधे घंटे का टाइमिंग होता है तो आधे घंटे का आप उन लोग लगा देते हैं, कितना 25 मिनट टाइम, 25 मिनट में जो भी स्मेल है खत्म हो जाएगा और कपड़ा आप 70% सूख के आ जाएगा, आप डाल देंगे 2-3 घंटा कपड़ा सूख गया, वो आपको बाद में पहन के जा सकते हैं, जिधर भी आपको पार्टी वेयर कोई भी कपड़ा है वो सब आप रिफ्रेश कर सकते हैं। स्पिन ड्राई डे, आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े हैं, सिर्फ मुझे सुखाना है, जब भी हम लोग गीला कपड़ा डालते हैं कम से कम 50% डालना है, हाईएस्ट 75% डालते हैं, क्यों, जब लोग गीला कपड़े डालते हैं तो उसका वेट क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 50% हाईएस्ट 75% आपको कपड़े डालना पड़ेगा किस पे, स्पिन डेन में, तो इसमें क्या होता है सिर्फ कपड़ा सूख के आता है। ओके जी, खाली सुखाना तो ये डालना पड़ेगा, हाँ उसमें स्पिन दिया हुआ था, खाली इसमें स्पिन, आप जो टॉप लोड मशीन था उसमें स्पिन दिया था, इसमें क्या दिया हुआ, स्पिन ड्राई रिंस, इस पे आप ले सकते हैं जी। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको राउटर चाहिए, राउटर लेके हम लोग IFB डाउनलोड करते हैं, तो IFB ऐप डाउनलोड होता है, उसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास राउटर होना चाहिए, 2 राउटर है, अच्छा हो जाए कोई दिक्कत नहीं सर, अभी उसको बताएंगे सर, तो उसके लिए आप इसमें करते हैं। कैडल वॉश, जिस कपड़े बहुत वर्क हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इम्बोटिंग वाले कपड़ा हो गए, जिस कपड़े में डायमंड सितारा ज़्यादा लगा रहता है वो सब कपड़ा यूज करना है, तो किस में यूज करते हैं, कैडल वॉश पे, फॉर एग्जाम्पल लहंगा चुनरी हो गया, वो सब कपड़े जब भी यूज करते हैं उसमें बहुत वर्क हुआ रहता है, बहुत डिजाइनिंग रहता है, वो सब कपड़े लगाना है, तो किस में लगाते हैं, अभी जैसे डांडिया हो रहा है तो सब लोग क्या है लहंगा चुनरी पहन जाए, जो भी पहन के जाते हैं तो बहुत डिजाइनिंग रहता है, वो सब कपड़ा क्या है आप इसमें वर्क हुआ जिसमें डिजाइनिंग रहता है वो सब कपड़े लगाना है, तो इसमें किस में लगाना है, कैडल वॉश पे। इसमें क्या होता है मशीन बहुत धीरे धीरे टंबल करता है, जो भी कपड़े डिजाइनिंग हो उसका डैमेज नहीं होने देता है, किसमें, कैडल वॉश में। सिंथेटिक, जो नाजुक साड़ी आता है वो सब कपड़े लगाना है, तो कौन सा प्रोग्राम पर लगाना है, सिंथेटिक। उलन, जो ठंडी वाले कपड़े आते हैं, अभी हम लोग किसी दूसरे टेम्परेचर पे लगा,
जर्किन कौन सा? मतलब जो ठंडी में पहनते हैं ना। हाँ वो ठंडी वाले कपड़े। हाँ ठंडी वाले कपड़े वही बता रहे हैं। लेकिन ये वूल वाला नहीं। हाँ अलग जैकेट टाइप रहता हाँ, वो भी इसमें यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो चलेगा भाई। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है उसमें, क्या अभी टेम्परेचर आप ज्यादा लगाते हो कपड़े का सुकुड़न आ जाते हैं, तो जब भी आपको वो सब लगाना है तो कौन से प्रोग्राम लगाते हैं? उलन से। ठंडी वाले जो भी कपड़े आपको यूज करना है तो किस पे लगाते हैं? उलन से आपको यूज करना है। स्प्रे स्वास ना के बराबर गंदे कपड़े, जैसे आप मार्केट गए, मैरिज पार्टी गए, ऑफिस गए, दो चार घंटे कपड़े यूज किए हल्के, जैसे आप मार्केट से आ गए वो सब कपड़े यूज करना है, तो इसका टाइमिंग कितना रहता है? 15 मिनट में वॉश रिंस स्पिन ड्राई सब कुछ होके आ जाता है। किस पे? स्प्रेस वॉश पे। IFB इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐप डाउनलोड करते हैं IFB का, आपके पास राउटर होना चाहिए तो इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है आपका? एनी वन क्वेश्चन पूछिए। नहीं तो मला कळलं, नुसतं स्पिन करायचं असेल तर हे लावायचं। हो बरोबर। हो वूल साठी हे लावायचं आणि आता रोजच्या साठी हे मिक्स डेली लावायचं। हो नाही पहिले 2 मिनिट, अभी आपको थोडं डीपली बता देते हैं, ये जो दिया हुआ है 2 मिनिट का खालचे बटन काय आहे बैठ के थोड़ा लूज है ना वो। मैडम देख आके देख लीजिए, आपको पहले क्या बताए थे, इस थोड़ा इसके अंदर आपको नॉलेज बता दे रहे, आपको मशीन का ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग रहता है, आपको ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसके लिए नॉलेज दे दे रहे क्या क्या होता है। जैसे आपको लगता है पहले प्री वॉश बताए, प्री वॉश की चीज बताए थे, जब भी हम लोग लिक्विड डालते हैं तो आपको दोनों साइड लिक्विड डालना पड़ता है, तो क्या होता है पहले एक बार पानी लेता है, लिक्विड लेता है, जो घाम कोई हॉस्पिटल पब्लिक प्लेस पे आता है तो एक बार पानी लेगा यहाँ से कंटिन्यू, तो जो पानी गंदे उसको ड्रेन कर देता है, फिर मेन वॉश पाता है, फिर लिक्विड लेता है, तो आपको कपड़े धुलाए यहाँ नहीं कुछ डालने का, यहाँ और यहाँ डालने का तो चलता है चलेगा। जैसे किस लिए प्री वॉश दिया, जैसे कोई हॉस्पिटल गया है पब्लिक प्लेस गया है तो उसके लिए आपको दोनों साइड लिक्विड डालना है, तो उसके लिए क्या सिलेक्ट करते हैं? प्री वॉश सिलेक्ट किए आपको प्री वॉश। अभी इसका टाइमिंग आपका क्या था, आपका टाइमिंग कितना है? 158 मिनट जी, 58 मिनट हो गए, 158 मिनट हो गया। तो इसमें जब भी करते हैं अभी आपको जो भी सिलेक्ट करेंगे आपका इसमें ऐड होता चला जाएगा। ओके ये आपका प्री वॉश सिलेक्ट करिए, आपको दोनों साइड लिक्विड डालना है, तो अभी हम जो लिक्विड डालते हैं तो एक बार पानी कंटिन्यू लेगा, जो गंदे पानी उसको ड्रेन कर फिर मेन वॉश में फिर लिक्विड लेगा, तो आपको क्या करता है आपको बहुत अच्छे कलर कपड़े क्लीन निकलता है। सॉक वार्म सॉक, वार्म सॉक मीनिंग क्या होता है, पहले क्या करते थे हम लोग कपड़े भिगो कर रखते थे, 1-2 घंटे बकेट में भिगो कर रखते थे तो बहुत अच्छा क्लीन निकलता था। आप इसमें वार्म सॉक लेंगे तो क्या आपको मशीन चलेगा थोड़ा देर, इसमें 30 से 40 मिनट मशीन स्टॉप हो जाएगा तो कि सॉकिंग कर देगा कपड़ों को, तो उसके आगे जब इसका टाइमिंग पूरा हो जाए तो आगे कंटिन्यू होता रहता है। इसके लिए क्या करते हैं वार्म सॉक, तो कितनी बार दबाना है इसको ऑप्शन वाला बटन 2 बार और सिलेक्ट कर दिए, क्या हो गया वार्म सॉक हो गया। स्टराइलेंस मशीन क्या करता है, 3 बार पानी लेता है 3 बार ड्रेन करता है, तो 1 बार ऑन लेगा 4 बार पानी लेकर 4 बार ड्रेन करेगा, तो आपका इसमें स्टराइलेंस ऐड हो जाएगा। 1, 2, 3 ये क्या होगा स्टराइलेंस, जो बारिश जैसा दिख रहा है तो जो जहाँ जहाँ सिंबल दिख रहा है तो यहाँ हम लोग स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टीम लिखा हुआ ना STEAM स्टीम लिखा हुआ है। ऑप्शन वाला बटन आपको कितनी बार दबाना है? 4 बार, 1, 2, 3, 4 और स्ट्रीम। जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ स्ट्रीम चाहिए तो 4 बार आप स्ट्रीम दबाइए सिलेक्ट करिए तो वो एक ही आ जाएगा। अभी मैं क्या कंटिन्यू सब बता रहा हूँ, इसके लिए सब पे सिंबल दिख रहे, खाली आपको लग रहा है कि एक ही चाहिए या प्री वॉश चाहिए और शॉक चाहिए या कुछ भी एनी टाइम आपको चाहिए तो कोई आप एक ले सकते हैं। अभी मैं सब ले, मैडम पूछने मतलब क्या है, अभी सब ऐड हो गया, खाली उनको स्ट्रीम चाहिए, स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट होगा तो सिर्फ स्टीम सेलेक्ट करना है तो 4 बार दबाइए, कितनी बार? ऑप्शन नंबर बटन 4 बार दबाना है और तुरंत सेलेक्ट करिए आपका स्टीम इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आपका टाइमिंग प्लस होता चला गया, अभी जो जो ऐड हुआ ना तो पहले वो कितना था 1 hour 58 minute टाइमिंग था, अभी आपका कितना हो गया 3 hours 10 minute हो गया। डिले स्टार्ट, डिले स्टार्ट मीनिंग क्या था, आपको लग रहा है मुझे 2 बजे जाना है, ये 5 बजे लाइट आने वाला है तो आपको 3 घंटे डिले लगा देना है, कितनी बार दबाना है इसको? 5 बार दबाइए, ऑप्शन नंबर बटन 1, 2, 3, 4, 5
तुरंत सिलेक्ट करिए। ये अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी चाहिए ये देख रहा है ना, आपका टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा इसमें। ठीक है, 1 घंटा से 24 घंटे तक हम लोग उसको लगा सकते हैं। कितना? एक टाइम सेवर। टाइम सेवर मीनिंग क्या हो गया? आपका सब कुछ टाइम भी रहेगा और टाइमिंग भी कम होगा। 3 हर्ष 10 मिनट था, अभी टाइम सेवर में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 12 मिनट हो गया। इसमें क्या था, आपका टाइमिंग कम हो गया और ये सब ऑप्शन भी सिलेक्ट रहेगा और स्टीम इसमें हट जाएगा, वार्म हट जाएगा और आपको ये सब सिलेक्ट रहेगा। जैसे मुझे लग रहा है सिर्फ क्या लेना है आपको, डिले डिले लेना है। 1 2 3 4 5 बार बार प्रेस कीजिए, वो चेंज होगा टाइम। ये देखिए 1.5 घंटा, ये आपका 24 घंटे तक जा रहा है। ओके, सिलेक्ट कर अच्छा। ये देखिए जो जितना चाहिए आप, 1 घंटे तक 24 घंटे तक रहेगा। ओके, टाइम अपन चाहिए का अच्छा, डिले स्टार्ट मतलब आप भी क्या होगा, 18 घंटे बाद मशीन चालू होगा। आपने स्टार्ट किया 18 घंटे बाद डिले चालू होगा। तो आपको जो भी चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है। आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम चाहिए तो ले सकते हैं। आपको लगता है स्पिन रेट कम ज़्यादा करना, तो यहाँ हम लोग करते हैं 400 600 800। ये आपका RPM है, कम ज़्यादा करने कर सकते हैं। ये टेम्परेचर है, यहाँ से लोग टेम्परेचर भी ले सकते हैं जो भी चाहिए आपको। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहे हैं। हाँ, आपको जो भी चाहिए यहाँ सब लोग ऑटोमेटिक सेटिंग है। आपको लगता है मुझे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। आप सब जाकर उसको सेलेक्ट करिए। ये 4 लाख का नहीं, 3 सेकंड प्रेस करते हैं इसको आपको 4 लाख हो जाता है। कुछ क्वेश्चन है अभी? मैच जेल पे कंटिन्यू करो। ओके, हां जेल पे सिर्फ स्ट्रीम करके रखो। आप बंद करें फिर स्ट्रीम चला जाएगा आपका। ओके, आप जब फिर के लिए कितना बार दबाओगे? तुम्हें दबाऊंगा का समझो, 5 बार। हां, 1 2 3 4 3 बार। 1 2 3 4 ओके, हां कर लो बस। तो यहाँ मैं आपसे कंटिन्यू। हो, नो प्रॉब्लम। अभी इसको कुछ अभी बंद करेंगे मशीन, तो फिर ऐसे ही आएगा क्या? हम लोग को रीसेट हो जाता है, हम जब बंद करते हैं तो रीसेट हो जाता है। फिर वैसे ही प्रोग्राम एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको लगाना पड़ेगा उसके लिए। और कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ पूछ सकते हैं? आता मला हे रोज लावायचे, ह्याचं काहीच यूज करायचं। तब भी आप स्टीम नहीं सिलेक्ट, तब भी इसका 40 टेम्परेचर ऑटोमेटिक है इसमें। आप नहीं सिलेक्ट करेंगे कुछ भी? नहीं, मेरे को अभी इसको कुछ हाथे नहीं लगाने का है। हाँ, खाली इतना ही यूज करना है। ये लगाना है। 129 मिनट आ गया, 1 घंटा 29 मिनट मशीन चलेगा, 40 टेम्परेचर है आपका, 1000 RPM पर रन करेगा। कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ सेटिंग है। आपको एक्स्ट्रा चाहिए तभी आपको लेना, नहीं तो सिर्फ करके देने का है। और सीधा बस इतना करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। त्या दिवशी तुम्हाला जर एक्स्ट्रा स्टीम पाहिजे असेल तर हे ऑप्शन आहे ना, 4 वेळा दाबाने सिलेक्ट। हो, कभी कन्फ्युजन असेल तर पास नंबर एंटर फोन करे, कुछ भी लागला जी। अब ये चादर वगैरह डब डालेंगे, ब्लँकेट वगैरह, हां तो कौन सा यूज करेंगे? देखिए जो ब्लँकेट ठंडी वाला आता है तो आपको ज्यादा वाला रैक एक जाएगा, सिंगल वाला दो या तीन डाल सकते हैं। ज्यादा वाला ये सब डबल वाला बड़ा मिक्स पे लगा के RPM कम कर दीजिए। यहाँ से ये आपको जो स्पिन स्पीड है, हाँ, तो यहाँ सब लोग इसका RPM 600 कर देना है। 600 बस। ओके, हाँ, मिस पे लगा के आपको RPM 600 कर देना है बस। लेकिन वो वूल जैसा रहता है वो ब्लैंकेट जाएगा, कोई पूछना प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स पे जा रहे हैं, मिक्स पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।